अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्लिश व्लॉग। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो मेक श्योर डैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर न्यू वीडियोस प्रेस द बेल आइकन सो यू मे गेट नोटिसफाई व्हेन माय वीडियो इज़ अपलोडेड। तो कल रात को गए थे हम ग्रोसरी करने, ईद का कुछ सामान लेना था और घर का कुछ सामान ख़त्म हुआ था वो परचेज़ करना था। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ वीडियो एडिट। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वीडियो जल्द से जल्द शेयर हो जाए ताकि मुझे कोई मसला ना हो कि अभी मैंने करनी है, अपलोड करनी है। तो आगे मैं खुद अपना सामान भी आपको अनपैक करके दिखाऊंगी, आप लोगों ने बताना है कैसी लगी वीडियो आपको। सो ईद की तैयारियों से मुतल्लिक वीडियोस न्यू आना शुरू हो जाएंगी और एक वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला रात को मिल जाएगी, जो लड़कियों का मेन मसला होता है हाउ वी डू फेशियल एट होम और स्किन पॉलिश वगैरह, वो मैंने वीडियोस बना ली हैं, उसको एडिट करना है और वो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। आगे मैं और मेरा भाई वो आप लोगों को दिखाएगा तमाम चीज़ें। तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है और इसमें मेरे भाई का फेस भी आप लोगों को रिवील हो जाएगा। आप लोगों ने बताना है मेरा भाई आप लोगों को किस तरह का लगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है और मुझे तो हर दिल अजीज़ है। और उसके अलावा बात कर लेते अपनी वीडियो की, तो वीडियो में सिंपल ग्रोसरी का सामान है और ईद के जो मसाले लिए जाते हैं और चीज़ें परचेज़ की जाती हैं वगैरह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। और हाँ, एक आगे टिप है वेट लॉस की, वेट लूज़ करने के लिए जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना डाइट प्लान ज़रूर शेयर करूँगी। और 3 किलो वज़न घटा लिया आपकी बहन ने पंजाबी आई जाती है। सो टू बी सीरियस, अगर आप लोग मेरा वेट लॉस जो टिप्स हैं और जो मैंने डाइट प्लान फॉलो किया अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बताना ज़रूर है और मुझे आज की वीडियो का बताना भी है कि किस तरह की लगी, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। 115 सब्सक्राइबर्स हैं और रिस्पॉन्स कितने व्यूज़ आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 आ जाएंगे, नहीं आए तो 35 आ जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट करना है और सपोर्ट करते ही रहना है, क्योंकि वीडियोस तो शेयर हो रही हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, आई डोंट नो क्या हो रहा है। और ईद की तैयारियों से मुतल्लिक इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या लिया है, लेकिन एक दिल कर रहा था कि ईद वाले दिन ही आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ, फिर एक दिल कर रहा है कि आप लोगों के साथ अभी कर लूँ। तो चलिए मैं शूज़ और ज्वेलरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कल इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग डाल दूँगी रात को, स्किन पॉलिश वगैरह का डाल दूँगी। आप लोगों ने मुझे बस बताना है किस तरह के लगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस करके जाना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आप लोग देखें आगे की वीडियो और आप लोग बता के जाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में किस तरह की लगी और क्या क्या कुर्बानी ले ली आप लोगों ने। हमारे घर तो बकरे माशाल्लाह से 10 दिन पहले ही आ गए थे और जो इन्होंने पार्टी की है इधर आके, तूफ़ान मचाए, रात इधर आ जाते हैं और सुबह गंद मचा के, पता नहीं इन्होंने क्या हालत की होती, देख के दिमाग ख़राब होता है मेरा। तो बस इसी तरह ईद की रौनक है। आज मैं आपको फ़नी बात बताती हूँ, मेरा जो भाई है हसन अली वो बकरा लाया, उसको एक बकरा बहुत पसंद है, तो कहते हैं मैंने नहीं इसको ज़िबा करने देना, मैंने नहीं ज़िबा करने देना। मम्मा कहती नहीं ज़िबा करते हैं, ऐसे कुर्बानी मकरूह हो जाती। तो कह रहा है ये कितना प्यारा है ना, मुझे कह रहा है कितना प्यारा है ना। मैंने कहा हाँ 3 दिन बाद इसका पुलाव खाएंगे, और रोना लगे मम्मा मैंने ज़िबा नहीं करना, ज़िबा नहीं करना। तो बस इसी तरह छोटी छोटी सी रौनकें होती हैं घरों में ये कुर्बानी से मुतल्लिक। और जब छोटे बहन भाई हो तो उनको तो देख के वैसे ही बहुत मज़ा आता है और तंग करने का तो मज़ा ही बहुत आता। तो आगे वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, ये मॉल की मैंने थोड़ी सी स्पीड में भी आगे कर दी थी ताकि वेस्ट ना हो टाइम, लेकिन काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, तो वीडियो लंबी है लेकिन मज़ा आपको ज़रूर आएगा, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है।
मॉल फिरने के बाद मेरे पापा लेके आए थे हम लोगों को चाय पिलाने, दूध पत्ती जो लक्कड़ पे खालिस बनती है, क्योंकि रात के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं, तो हमने कहा कि हमें चाय एक एक कप पिला दें, तो बहुत मज़ा आया रात को। ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप लोगों ने व्लॉग के स्टार्ट में देख लिया होगा कि हम लोग ग्रोसरी करके आए। मैंने मॉल की जो पिक्चर वो वीडियो क्लिक की थी वो लगा दी है, होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपने सामान की अनपैकिंग करना। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेज किया है। मेरी मदर ने ईटो वाले से क्या क्या परचेज किया है, और आज मेरे साथ मेरा भाई बेटा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और ये माशाल्लाह से एक एक मेरा भाई है, तो मैंने कहा इसको आज अपने साथ बिठाते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ हर जगह जाता है। और आज भी जिद कर रहा नहीं मैंने जाना है, मैंने जाना है, तो मैंने कहा आ जाओ चलते हैं हम लोग पापा के साथ। और वीडियो में भी एज यूजुअल इसकी जिद करने की आदत नहीं रही, तो ये अब साथ साथ हमारे वीडियो में भी रहेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और अनपैकिंग करते हैं पहले छोटों की। क्यों पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़े बैग में क्या है। तो बड़े बैग में ये मेरी मामा ने ईद पे पकाना है शीर खोरमा, तो उसके लिए ये लेके आए हैं सैनिया। जब ये तैयार होगा इसका व्लॉग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चांद रात ऐसी ही बहुत रौनक होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक ये अच्छा तुम दिखाओ। और फ्रेंड्स ये प्लस चक्की का आता है, यूजली आटा मौजूद होता है घरों में, लेकिन मेरे फादर को चक्की का आटा ज़्यादा बेहतर लगता है, तो उन्होंने अपने लिए ये परचेज किया था। और दूसरा टॉपर अब आप लोगों के सामने अनपैक करते हैं। एक और सेमिया निकल आई है, तो बड़ी इसकी पहले चीजें दिखा लेते हैं कि क्या क्या बनने है और किस किस तरह हम लोगों ने चीजें परचेज की है। ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ सीख कबाब वगैरह के, ये दो दो परचेज किए, तो मैं आप लोगों को एक एक शो करती हूँ, बाकी मैं साथ रखी जाऊँ। ये चिकन टिक्का के है मसाले, ये बिरयानी शाम की बिरयानी मसाला आ गया, चिकन टिक्का मसाला आ गया, बिरयानी का एक और पैकेट निकल आया है, और एक और पैकेट निकल आया है, एक और पैकेट निकल आया है, तो और एक और सेमियां निकल आई है। चाट मसाला आ गया, चाट मसाला ठीक है। ये आ गई अब पकौड़ियाँ, ये इंस्टेंट है, आप लोग इसको पानी में भी धोती हैं फिर ये फूल जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी दोबारा से। दो पैक ये खरीदे थे, ये 125 का एक पैक मिला है, भाई रीजनेबल। थ्री सीख बाब है, पहले एक हमने पहले रख दिया तो दो निकले, सही हो गया। हसन अली बता रहा भी आप लोगों को। ये आ गई सब्ज इलायची शीर खोरमे में इस्तेमाल के लिए, और ये लिप्टन येलो लेबल, कुछ ग्रोसरी करनी थी कुछ बड़ी का सामान लेना था। अब दिखाती हूँ मैं एक और पैकेट आप लोगों को, शुरू करते हैं इसका। एक मैं ये लेके आई थी कलर, मेरी मदर ने अपने लिए परचेज किया है ठीक है। इसकी शेड है 42 एंड इट्स कलर इज मीडियम अर्बन, तो कलर शेड बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारा कंट्रास्ट आता है इसका। और दोस्तों एक ये हमने कुक टेस्ट के लिए इसके साथ 50% सेव है, ये साथ ब्रेस फ्री है ठीक हो गया। ये बचत पैक आया हुआ था ईद के हवाले से। और ये ग्लास, ग्लास वॉश करने के लिए, ये जो खिड़कियां वगैरह होती हैं और फ्रिज वगैरह, उसमें हसन अली ने परचेज ऑर्डर अपना छोटा, और साथ में ये आ गया नील ठीक है। और फ्रेंड्स ये हमने पसीबा के फोर सेल लिए है। चलो अब बड़े पैक की बारी आ गई, सही है। ये सनसिल पूरी फैमिली के लिए, लेकिन हसन अली हमारा छुटकू पार्टी है, तो उसने अपने लिए ये परचेज किया हेड एंड शोल्डर का। दोस्तों एक ये जामी सीरी अपने लिए है, और कपड़े वॉश करने के लिए ये मेरी मदर ने परचेज किए थे टूपी, तो दिखाने बनते तो नहीं लेकिन फिर भी चलो। दोस्तों ये लेमन मिक्स है, एक एक दिखाना सारे ना निकाल, और एक ये वैसलीन है, बाकी अब ये जी निकल आए बोनस एरियल 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 आ गए मेरे भाई। एरियल ये पूरा पैर चीनी का ही है ठीक है, ये मैं इसमें
लिए बाद में दिखाना, जो अपनी चीज़ें परचेज की ना तुमने वो बाद में। तुम छोटे वाले दोनों छोटे वाले दोनों कस्टर्ड पैक दिखाओ। इसे दालचीनी कहते हैं, सुनता नहीं है ना ये मेरी। कस्टर्ड की ये तीन फ्लेवर, और ये आगे वनीला बनाना स्ट्रॉबेरी, ये बटर पैक था ब्लू जॉबी, और ये दाल चीनी मैंने परचेज की है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आजकल डाइट के लिए, और मैंने तकरीबन 3 किलो वेट लूज़ किया। मैं 59 से आ गया है 56.50 पे। तो सुबह में मैं अर्ली मॉर्निंग में लेती हूँ अदरक का पानी और साथ दाल चीनी उसमें डालती हूँ और इनको बॉयल करती हूँ। तकरीबन 4 कप लेती हूँ और जब तक 2 रह गए तो उसको यूज़ करती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मैं आप लोगों के साथ डाइट प्लान अपना ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या किस तरह से ग्रीन टी में आप यूज़ करती है देखो वेट लूज करने के लिए। और ये हो गई चिकन, नहीं चिकन सही नहीं, चिली गार्लिक नेशनल की, ये संग्रीला की, टोमेटो केचप 1 kg है ये। हाँ जी, क्योंकि नमकीन वो बनेगा ईद पे, तो ये खत्म हो रही थी चीजें, तो मम्मा दोबारा एक बार और परचेज करें। ये संग्रीला की मेरे भाई ने परचेज की है, उसको इन चीजों का बहुत शौक है। 600 ग्राम 650, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोली जा रहा है, भाई बहुत पसंद है इस तरह की चीजें, ये पैकिंग वगैरह वाली। ठीक हो गया, ये आ गई यंग माइनिस 1 लीटर है। पीछे रिक्शा गुजर है, अवॉइड कीजिएगा आवाज को। और ये आगे कैंडल के 57 वाला पैक, क्योंकि मैं शुगर नहीं ले रही, तकरीबन 2 वीक्स हो गए मैंने शुगर को बाय बाय किया हुआ है, तो मैं कैंडल यूज करती हूँ या शक्कर ले लेती हूँ, बिल्कुल माइनर थी। अब हसन अली का रह गया है सामान, तो चले उसकी चीजें देख लेते हैं। आज उसने क्या परचेज किया है दोस्तों? ठीक है, ये इसने अपने लिए एक परचेज किया है इसकी शॉपिंग में, इसका नाम है सेफिल है पिंक नैन्सी, ये बॉडी स्प्रे इसने यूज कर रही है, परचेज की है भाई ने मेरे। ठीक हो गया, और ये हो गया हैप्पीनेस हैप्पीनेस बॉडी, से हैप्पीनेस बॉडी सही है। और साथ में एक मिनट फेरे में अपनी फेस वॉश लिए वो इसका। हाँ जी, मुंह इसने वैसे भी नहीं धोना होता, फेस वॉश लेके और नहीं धोएगा, तो शुरू करते हैं। हम लोग मजाक करते रहते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको चीजें देख के मजा आया हो तो एक बार माशाल्लाह जरूर कर देना, और मुझे लाइक में याद रखना, शेयर सब कुछ कीजिए, और मेरी आपी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हाँ जी, हसन अली ने बता दिया, अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को